जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैदराबाद है। पाकिस्तान मैच हार गया और उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाया। कोई दुख नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने माशाल्लाह से इंडिया से इतना अच्छा मैच खेला, वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, बॉयज ने बहुत अच्छी गेम खेली है। हार जीत लगी रहती है लेकिन बॉयज ने अच्छी गेम खेली है और हम अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। जब जीते तो तालियां बजाएं, जब हारे तब भी अच्छी गेम करनी चाहिए। क्या वजह बनी है मैच हारने की? ना रिजवान ने बहुत आहिस्ता खेला, बाबर आते साथ आउट हो गए तो उस तरह से खेल नहीं पाए। मेरे ख्याल से बाबर भाई और फखर जो थे थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप में काम नहीं कर पाए, लेकिन शादाब भाई से कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कोई मसला नहीं है। और जब हम जीते थे ये इंडिया से तो हमने ही तालियां बजाई थी, तो इट्स ओके, इट्स अ गुड गेम। और हार जीत लगी रहती है। वर्ल्ड कप जीतेंगे जी, वर्ल्ड कप जीतेंगे जी, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या वजह बनी है मैच हारने की? वजह ही नहीं बनी, कोई वजह नहीं है, बस जीत गए। हारे या जीते प्यार है? दिल जीता है जी, दिल जीता है। वो कैसे जीता है? बस जी जीत लिया। हार का जिम्मेदार कौन है? हार का जिम्मेदार नवाज शरीफ है। इसकी क्या वजह है? बस नवाज शरीफ है। नवाज ने तो एक मैच में बहुत अच्छा खेला था। और नवाज शरीफ नहीं खेलता, वो खेलता है लेकिन वो मुल्क के लिए खेलता है, मुल्क के साथ खेलता है, वो ऐसे नहीं खेलता। आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैच जीत जाते? कैसी बातें कह रहे हैं, इमरान खान होता तो मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप क्या, एशिया कप, सारे कप घर रख लेते, चाय के कप भी घर रख लेते। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, परेशान हैं, तीन चार नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं। भजन क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान उस तरह से फाइट नहीं कर सका और मैच हारने की क्या वजह है? अपनी पॉलिसीज, अपने डिसीजन की वजह से हारे। मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में हैदर अली को जो पिछला मैच था श्रीलंका के खिलाफ, हैदर अली को चांस देना चाहिए था क्योंकि बैटिंग में मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था और वहाँ पे जो है वो बॉलर्स में चेंजिंग ला रहे हैं जबकि बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे। मायूस हैं आप? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जीता हुआ था, ऑन पेपर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग था। सबसे ज़्यादा किसकी परफॉर्मेंस से मायूस हुए? आज के मैच में मैं रिजवान की परफॉर्मेंस से, उसने तो 50 की है लेकिन जो रिक्वायर्ड था वो पूरा नहीं कर सका। स्लो खेला है वो बंदा, जहाँ पे उसे चाहिए उसी प्रेशर की वजह से आगे भी विकेटें गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से रिजवान को जो है वो स्लो खेलना, फास्ट खेलना चाहिए था या तो आउट हो जाता। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंटेंट ही नहीं नजर आई भाई, इंटेंट होती है वो चीज़ है ही नहीं। रिजवान ने बहुत बुरा खेला। मायूस हुए। किस उम्मीद के तहत ग्राउंड में आए थे? इस उम्मीद से आए थे कि इंडिया से हम जीते थे तो इस वजह से हमने उम्मीदें लगाई। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होता तो हम जीत जाते। मैंने आगे लोगों से पूछा है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पता हो ऐसी कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे व्हाइट टोपी वाले भाई? बॉलिंग बहुत खराब। बैटिंग अच्छी थी? बैटिंग का मुझे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बॉलिंग क्योंकि स्टार्टअप जो उन्होंने लिया था बहुत अच्छा लिया था, लेकिन आगे जाके जो सोचा नहीं था वो उससे ज्यादा स्कोर ही नहीं पड़ा। जीरो बॉल, यानी कि एक बॉल भी नहीं हुई थी और स्कोर थे 9, उसके बावजूद फिर आगे जाके ये रुक गए। अब इस पे ना इन लोगों में बैड कमेंट देना बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ किया है जैसे जीते हैं, तो बाकी मैचेस है ना जो नसीब के हैं। आपकी मूछें बहुत अच्छी हैं, किससे मुतासर होकर रखी हैं? यार मैंने अपने आप से मुतासर होकर रखी हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैच हार गए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मैच हम हार गए लेकिन यार देखें, जब हम मैच ये जीतते हैं तो हम ही तालियां बजा रहे होते हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर ये हार भी गए मैच तो हमें बाकी मुल्कों की तरह कुर्सियां उठा के नहीं फेंकनी, चीजें नहीं खराब करनी। हमने एक अच्छी कॉम स्पोर्ट्समैन एक स्प्रेड दिखाना है। श्रीलंका ने अच्छी गेम खेली है, वो डिजर्व करते हैं ये विक्ट्री। रेस्ट ऑन, इंडिया से अच्छी गेम खेले थे, अफगानिस्तान से अच्छी खेले थे, दिस इज ऑल व्हाट वी वांट, दैट्स इट। आइंदा के लिए उम्मीद है सर, हमेशा मैच होगा, हमेशा पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।